हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 2। एंड चैप्टर का नेम आप यहां पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संविधान निर्माण। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, प्रश्न एक है हमारे पास, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक जो वाक्य है वहाँ पर आपको गलतियाँ दी हैं और आपको इस पाठ के आधार पर वो गलतियाँ पहचाननी है और उसे ठीक भी करना है। तो पहला आप देखो यहाँ पर है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इसका आप देखो उत्तर देखो आप क का, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं ख है यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात, यहाँ पर हर एक, ठीक है, हर एक लिखा है यहाँ पर, हर एक लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, हर एक बात पर सहमत थे। तो इसका उत्तर आप देखोगे ख का, संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान राय रखी। फिर हम देखते हैं ग है यहाँ पर, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो यहाँ पर आप देखो, जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए। फिर यहाँ पर घ है आपका, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव ही होगा। तो इसमें आप देखो, इसका आप लिखोगे, संविधान, यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। सो पहला देखो आप यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, खो है यहाँ पर, स्त्रियों और पुरुषों का, गो है गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का, और यहाँ पर है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका उत्तर आप लिखोगे घो, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न 4 है हमारे पास, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर शासन प्रमुख के अधिकार, फिर यहाँ पर शासन प्रमुख का नाम, विधायिका का अधिकार, और यहाँ पर है देश का नाम। तो यहाँ पर ये क नहीं, ये का है, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर शासन प्रमुख का नाम। फिर उसके बाद प्रश्न 4 है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। तो यहाँ पर क देखो आप, मोतीलाल नेहरू, ख है B.R. अम्बेडकर, ग है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, और घ है सरोजनी नायडू। तो पहला आप लिखोगे यानी कि मोतीलाल, अच्छा इनको आपको मैच करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिए हैं। तो इनके उत्तर आप देखो, क का आपका 4th है, यानी कि जो मोतीलाल नेहरू है इसको आप 4th से मैच करोगे, 1928 में भारत का संविधान बनाया। फिर यहाँ पर ख है हमारा, ख को आप 3rd से मैच करोगे, B.R. अम्बेडकर, इसको आप 3rd से, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। फिर यहाँ पर ग है, ग को 1st से, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को आप लिखोगे संविधान सभा के अध्यक्ष, और सरोजनी नायडू को लिखोगे आप संविधान सभा के सदस्य। तो प्रश्न 6 है यहाँ पर, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो क है यहाँ पर संप्रभुता, फिर ख है गणतंत्र, ग है बंधुत्व, और घ है धर्मनिरपेक्ष। तो इसको 1st से आप लिखोगे, यहाँ पर आप देखो मैच द फॉलोइंग्स आपको एक तरह से दिए हैं। तो क को आप मिलाओगे दूसरे से, यानी कि संप्रभुता को आप मिलाओगे फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास। फिर ख है हमारा गणतंत्र, तो इसको आप मिलाओगे 3rd से, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, ठीक है। फिर है यहाँ पर बंधुत्व, बंधुत्व गौ को आप मिलाओगे 4th से, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। फिर है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष आप मिलाओगे 1st से, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर भी आपको इन्हें दिखाता हूँ किस तरह से आपने इन्हें मैच करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था, वहाँ उनके अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी, उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन
करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपने अपने मित्र को इसमें पत्र लिखना है। तो अब मैं यहाँ पर यह उम्मीद करता हूँ कि आपको लेटर लिखना आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके आधार पर आप अपना पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता लेते हुए अपना पत्र लिखें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, निर्वाचित प्रतिनिधियों और यहाँ पर है अधिक शक्तियाँ देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो, गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा और राजा के शासन का विरोध यह दर्शाते हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 8 है यहाँ पर, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? तो कौ हम देखते हैं यहाँ पर, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो इसका हम उत्तर देखते हैं यहाँ पर। आप देखो तीन पॉइंट आपको दिए हैं, कौ, ख और गौ, तो इनको आप पढ़ सकते हो प्रश्न के अंदर। फिर यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे, मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्व दूंगा। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। फिर यहाँ पर दूसरा बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। फिर है यहाँ पर तीसरा बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया। फिर यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। अब यहाँ पर आप देखो अंश आपको इसके अंदर दिया है, यहाँ पर ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया, इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के, इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, दिया गया पैरा आंशिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, यह लिंग भेद के विचार को बढ़ावा देता है, यह संविधान द्वारा प्रचारित समानता की भावना के विपरीत है। फिर हम देखते हैं प्रश्न 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत है, अपने कारण भी बताइए। तो यहाँ पर आप देखो पहला पॉइंट है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे सत्य, और इसका कारण साथ में आप लिखोगे, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है, यह किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में वर्णित किए गए कानूनों पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है, अतः इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानूनों की है। तो फिर हम देखते हैं प्रश्न ख है यहाँ पर, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो इसको आप लिखोगे सत्य, संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है, यह सरकार के विभिन्न अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन एवं उनके कार्यों को विस्तार सहित परिभाषित करता है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न गौ, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसे आप लिखोगे सत्य, और इसका कारण आप लिखोगे, संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए हैं, इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने एवं उन्हें अनेक कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए फिर भी प्रत्येक अंग को अन्य अंगों के नियंत्रण में रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां पूरी तरह सीमाओं में हैं। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास, घौ, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं इसका उत्तर है यहाँ पर असत्य,
कारण हम देखते हैं, संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्य को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। यद्यपि ऐसे कानून एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है क्योंकि यह मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड क्लास नाइन्थ आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी देख सकते हैं मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर, मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।